नासदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत् नहीं था असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था बचपन की सबसे पुरानी यादों में है रामायण और महाभारत जो मेरी माँ और घर की बुजुर्ग औरतें मुझे सुनाया करती। इन कहानियों में बहादुरी के किस्से भी थे और जादू भी था। फिर घर के लोग मुझे रामलीला दिखाने भी ले जाते जहां हजारों दर्शक जमा होते। ये रामलीला ज्यादा शानदार नहीं हुआ करती लेकिन इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता था क्योंकि कहानी तो सभी जानते थे। रामायण और महाभारत दोनों हिंद आर्यों के इब्तदाई दौर से जुड़े हुए। यह किस्सा है उनकी आपसी लड़ाइयों और दूसरों पर फतेह का, उनके फैलने और मजबूत होने का, हालांकि ये बहुत बाद में लिखे गए। दुनिया में ऐसी किताबें कम हैं जिन्होंने आम जनता के दिल और दिमाग पर सदियों तक इतना गहरा असर डाला हो। ये प्राचीन गाथाएं हिंदुस्तानी जनता के जीवन का एक अंग है। ये उस खास हिंदुस्तानी शैली का नमूना है जहां हर तरह के लोगों के लिए कुछ न कुछ मिलता है, चाहे वो विद्वान हो चाहे अनपढ़ गांव वाले। इन कहानियों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जातियों और वर्णों में बटा पुराना हिंदुस्तानी समाज किस तरह एक सूत्र में बंधा रहा और वीरता और मर्यादा का साझा आधार कैसे कायम रहा। रामायण की कहानी महाभारत से पुरानी मानी जाती है, हालांकि महाभारत को पहले लिखा गया था। जो भी हो, जिस कबायली समाज की झलकियां महाभारत में मिलती हैं वो रामायण के विकसित राजतंत्र से बहुत पहले का है। अगर महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध यथार्थ था तो पुरानी वंशावलियों से हिसाब लगाकर ये लड़ाई 850 ईसा पूर्व के आसपास ही हुई होगी। हस्तिनापुर को पुरानी वैदिक जाति
कुरुओं की एक शाखा ने बसाया। कुरुओं के संबंधी पांडवों ने बाद में खांडवप्रस्थ जंगल जलाकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, जो गालिबन दिल्ली के पुराने किले के आसपास थे। 200 ईसा पूर्व से सन 400 ईस्वी तक महाभारत के 3 संशोधन हुए। पहला 9000 श्लोक का संस्करण, जिसे जय कहते हैं, फिर 24000 श्लोक का संस्करण भारत, और अंत में 1,00,000 श्लोक का महाभारत। इनके साथ साथ भारत में और भारत के बाहर भी महाभारत पर अनेक रचनाएं आधारित की गईं, तस्वीरों में, गानों में, नाटक में, चित्रपट पर और कई लोक शैलियों में भी। मध्य प्रदेश की पंडवानी शैली की एक मशहूर अदाकार हैं तीजन बाई। गंधारी, धीरज धर, ये 100 कुंड बना के तैयार कर दिन तथा, और बोटी बोटी काट काट के 100 खून में भरा के और मस्त वहाँ घी डाल दी, तो 100 ठने पुत्र के साथ साथ एक लड़की तैयार और होगा। तब भय परगट ये मेरी मोर भय परगट कुंती के थे महाराज, उदास मत कर। अधिपति के आदेश हो तो पत्नी पुत्र तैयार करे में कोई देरी नहीं। अरे एक लकोन पूछे तो 3 छटुला हो जा है। पांडु कथे बड़ मुश्किल के बात, और का मुश्किल के बात, पति यदि कहे कब तो। अरे जब पति पत्नी के संपर्क नहीं तो संतान कहां से। हाँ हाँ, मैं दुर्वासा ऋषि के सेवा का पाके और कठोतरी माला पाए हूँ, एक आधार ले कोई छल नहीं का जाना। तो फिर हो जाए। अरे हो जाए काका, ये कहकर कुंती बड़ा खुशी के साथ, और ये धर्मदेव पुकार के धर्मराज युधिष्ठिर पुत्र मांगे, पवन देव ला याद करके भीमसेन बेटा मांगा थवे काका, इंद्र ले याद कर अर्जुन मांगे। तीन पुत्र हो गए कुंती के, माद्री मुहूला फूला है। पांडु कथे कुंती हुल माला दे दे। एक बखत माद्री हमालल पहुंचाई ताले, यशवानी कुमार के यादा महूला बेटा के एक तरफ सौजने पुत्र, एक धर पांचों भाई पांडो देख के बड़ा यनद मनावत ये दीदी, बड़ा यनद मनावे। सौजने पुत्र पाकर अत्यंत खुशी होकर बेचारे मन यनद मनाने लगे है। महाभारत के कथानक में जिस समाज का वर्णन है वो गुप्त काल की विकसित संस्कृति के ज्यादा करीब है, मगर फिर भी उत्तर वैदिक काल के कबीलों की अवस्था भी कहीं कहीं दिखाई देती है। महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है शकुनी द्वारा युधिष्ठिर को जुए की चुनौती। ये जुए का खेल वैदिक काल की निशानी है, जब जुए की बाजी से बंटवारा होता था और जुआ खेलना राज्याभिषेक की एक रस्म थी। दरअसल पांसों का खेल एक सामाजिक क्रिया थी, युधिष्ठिर उसे ठुकरा नहीं सकते थे। वैसे एक आदमी की ओर से कोई दूसरा खेले ये उचित नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी यही इच्छा है, यही सही। चलिए।
जीत गया जीत गया, ये बाजी मैं जीत गया। शकुनी धिक्कार है तुम पर, तुमने छल से ही चाल जीती है। फिर भी आगे खेलो, मैं अपने सारे हीरे जवाहरात दांव पे लगाता हूं। जीत, हमारी जीत। अब क्या लगाओगे दांव पर? मैं ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर अपने नगर, राज्य, भूमि और प्रजा को दांव पर लगाता हूं। नगर, राज्य, प्रजा सब मैं जीत गया। अब आंखें चमकती हैं मणियों जैसी, सीसा दिखता है जो अपार बल जिसकी बाहों में, मैं उस नकुल को दांव पर लगाता हूं। मैं तेरी नकुल को भी जीत गया। प्रियदर्शी सहदेव को भी दांव पर लगाता हूं। मैं तुम्हारे प्रिय माधवी पुत्र नकुल और सहदेव दोनों को जीत गया हूं, जो तुम्हें बहुत प्रिय हैं। लेकिन अर्जुन और भीम, इनके बारे में क्या विचार है? मैं पीछे नहीं हटूंगा, भीम और अर्जुन भी लगे दांव पर। मैंने इनको भी जीत लिया। अब तो मैं ही बचा रह गया हूं। यदि मुझे भी जीत लिया गया तो हम मान लेंगे कि दुर्भाग्य और पराजय ही हमारी नियति है। तुम्हारे पास केवल एक ही चीज रह गई है जिसे जीता नहीं गया, तुम्हारी प्रिय रानी राजन पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी को भी लगा दो दांव पर, शायद जीत जाओ। यदि जीत गए तो द्रौपदी के साथ साथ अपनी आजादी भी जीत में वापस ले लेना। ठीक है, मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। विदुर, जाओ और इन पांडवों की प्राण प्यारी द्रौपदी को यहां लाओ। आज से वो हमारे राजमहलों की सफाई करेगी और रहेगी हमारी दासी बनकर। अरे मूर्ख, इतना भी नहीं समझता कि ऐसे शब्द कहकर तू अपने काल को बुलावा दे रहा है? तुझे इसका आभास नहीं कि तू अंगारों से खेल रहा है? बचपना छोड़ दे दुर्योधन, मृग होकर सिंहों को मत ललकार। प्रतिकामी, अगर तुम पांडवों से भय नहीं खाते तो जाओ द्रौपदी को घसीट कर यहां लेकर आओ। ये विदुर तो कायरों की बोली बोल रहा है, इसने भी हमारा भला नहीं चाहा। जाओ। आर्य द्रौपदी, दुर्योधन का आदेश है कि मैं आपको सभा में ले जाऊं। क्यों? मेरे स्वामी के होते हुए दुर्योधन कौन होता है मुझे सभा में बुलाने वाला? पासों के खेल में युधिष्ठिर आपको हार गए हैं। जाओ और जाकर पूछो जुआरी से कि उसने पहले खेल में स्वयं को हारा है या मुझे। महाराज दुशासन, ये रथी पुत्र तो मूर्ख है। तुम स्वयं जाओ और द्रौपदी पर अधिकार करके उसे यहां लाओ। उसके ये पांच पति जो अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं, हमारा कर ही कह सकते हैं। आपने काशी नरेश से जो भी धन और उपहार प्राप्त किया था, दूसरे कई राजाओं ने आपको जो हीरे जवाहरात भेंट में दिए थे,
वो सब आप जुए में हार गए। हमारे रथ शस्त्र खुद हमें भी आप हार गए। फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया क्योंकि आप हमारे महाराज, मगर द्रौपदी को दांव में चढ़ाकर आप अपनी हद से बाहर चले गए हैं। मुझको हाथ लगाता है? चल चल छिनार, अब तुझे कौरवों की दासी बनना है। लगता है आज क्षत्रिय कुल की सारी मर्यादा नष्ट हो चुकी है, सदाचार के बंधन टूट रहे हैं और ये सभा मूक बैठी देख रही है। अरे राजाओं, ओ लोगों, मेरा प्रण सुनो। युद्ध के मैदान में अगर इस पापी अधर्मी दुष्ट दुशासन का सीना चीर कर मैंने उसका खून न पिया तो स्वर्ग में अपने पूर्वजों के साथ मुझे स्थान न मिले। स्वयंवर में आए हुए राजाओं ने मुझे पहली बार देखा था, उसके बाद मैं कभी भी लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन आज मुझे बलपूर्वक घसीटकर सभा में लाया गया है। ये निश्चित ही एक भयानक समय है जबकि कौरवों ने अपनी एक कुलवधू को ऐसी यातना पहुंचाई है। अरे ओ कौरवों, जरा ये तो कहो कि युधिष्ठिर की पत्नी उसी की तरह राजकुल में जन्मी आज तुम्हारी दासी बन जाओ? नहीं, तुम्हारा ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तो आपके अधीन है, क्यों धर्मराज? द्रौपदी के प्रश्न का आप ही उत्तर दीजिए कि वो हमारी दासी है या नहीं। अरे नीच, अगर रणभूमि में तेरी इन्हीं जांगों को अपनी गदा से चूर चूर न कर दिया तो मेरी आत्मा को मुक्ति न मिले। चोला तोर माटी है रे। द्रौपदी ने एक सवाल उठाया था कि खुद को हार जाने के बाद क्या युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा सकते थे। यही लगता है कि तब स्त्री को पुरुष की संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाता था, यानी उत्तर वैदिक काल पूरी तरह पुरुष प्रधान नहीं था। द्रौपदी के 5 पति होना और कुंती का नियोग से पुत्रों को जन्म देना भी स्त्री प्रधानता के संकेत हैं। द्रौपदी कहे स्वामी, ये भाई बंधु सब यह दिखा हुआ है। संसार में मेरा कोई नहीं। अच्छा? या मन में सोच कर देवी द्रौपदी कहे कन्हैया, आप तो दया के सागर हो मुरारी, बचाओ मेरे लाज बचाओ। ये बात सुन के कृष्ण जी चौक के आगे आवे। रुक्मणि कहे, प्रभु आगे जात क्यों ना तो पाछे लौट के आवत कबर नहीं। अच्छा? ये बात ले सुन के कहे क्या बताऊं रुक्मणी, यह समय तो द्रौपदी के ऊपर में कष्ट दुख है। रुक्मणी कहे, स्त्री के लाज ही एक इलाज है, इस वक्त लाज आप बचाइए। कृष्ण जी चाहे छलांग गड़ूर में। अच्छा? सुनना ना 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 ना। कृष्ण जी भाग गए और वो ऋण के साथ पिता मत लो मत रहे। दोनों हाथ में पकड़ा दुशासन सॉरी। अरे जल्दी फिर पांडवों को देश निकाला मिला और कौरवों ने उनकी भूमि पर अधिकार जमा लिया। महाभारत में कई स्थानों पर जिस काल की बात होती है वो सत्ता के केंद्रीकरण और साम्राज्यों की स्थापना से ठीक पहले का है। भूमि को संपत्ति समझना और उस पर अधिकार जमाना इसी दौर में शुरू हुआ, जबकि इससे पहले लड़ाइयां मवेशियों के लिए हुआ करती थी। मित्रों, भूपतियों, शकुनी ने धर्मराज को अधर्म से द्युत में हराया,
छीन लिया राज्य दुर्योधन ने, वनवास भी कराया। जानते हैं आप कैसे कैसे क्लेश सहे, कहां कहां कैसे रहे, किंतु नहीं त्यागा पांडु पुत्रों ने कभी भी सत्य का सहारा। वचन दिया था दुर्वचन को निभाया। कुल परंपरा से जो राज्य है उनका, वो उनको मिले अब, यही मत है, होना भी चाहिए सबका। आप लोग सोचें, विचार करें, बताएं सबका हित कैसे हो, सम्मान भी बना रहे, धर्म भी अनुकूल हो। स्वर्ग का भी राज्य नहीं लेंगे युधिष्ठिर, यदि मिले अधर्म से, लेंगे सानंद धरती का टुकड़ा तक, अगर मिले धर्म से। ध्यान में रखें आप, वे चाहते हैं मिले वही और उतना, बाहुबल से कमाया था राज्य जितना, और वो राज्य धृतराष्ट्र के पुत्रों ने युद्ध कर नहीं जीता है, छल और कपट से छीना। छीन सकते हैं पांडव कौरवों से राज्य अपना बल से, अपनी वीरता से, आप जैसे न्याय प्रिय भूपतियों की सहायता से, पर हमें धीरज से, शांति से काम लेना होगा। धृतराष्ट्र और दुर्योधन का मन समझना होगा। मंत्रणा है मेरी, इससे पहले के बज उठे रणभेरी, भेजे हम दूत वहां धर्मशील दक्ष कुलीन, जो कौरवों का क्रोध शांत कर दे, दोनों दलों को मित्रता के बंधन में बांध दे, ताकि कौरव पांडवों का राज्य लौटा दे, रहे स्वयं सुख से और इन्हें भी सुख दे। सज्जनों, कृष्ण ने जो कहा वो धर्म सम्मत है। दूत भेजे हम, यही हमारा भी मत है। कोई कुछ भी कहे, द्यूत आखिर लड़ा है, कौरवों को मिली है जीत द्यूत विद्या से। अच्छा यही है, द्यूत कभी न खेले कोई, हार जाए दांव पर रोए नहीं। युद्ध करना नहीं है अच्छी बात, छूट जाता प्रियजनों का साथ, इसलिए उचित यही है कि दूत जाएं, कौरवों का क्रोध शांत कर उन्हें मनाएं, पांडवों को राज्य दिलवाएं। सज्जनों, युद्ध है अन्याय, हमें तो दिखता एक ही उपाय, हित इसी में है, करें समझौता। क्यों करें समझौता? समझौता नहीं होता कोई उपाय, वही करते हैं समझौता जो होते हैं निरुपाय। बहुत सुन ली, न्याय ये है वो अन्याय है, खेलने को जुआ अपने घर बुलाना क्या न्याय है, छल कपट से जीतना क्या न्याय है? न्याय है कहना अवधि से पहले पांडु पुत्रों को लिया पहचान। अरे जिनके बसा करते हैं दूरता में प्राण, उनसे बात क्या करना? अरे जो खड़े हैं तलवार लेकर, उनके सामने जाकर हमें नहीं मरना। न्याय है पांडु पुत्रों का भाग अपना मांगना, ये समझ ले हम, वे नहीं लौटाएंगे ये भी समझ ले हम। आतताई को मिटाना धर्म है, याचना करना सदा अधर्म है, अधर्म है। कह रहे हैं सत्य निश्चय सात्य की, नहीं सौंपेगा दुर्योधन बागडोर राज्य की। स्नेह अंधा पुत्र के प्रति, धृतराष्ट्र भी है अंधा। नमक खाया कौरवों का भीष्म ने, गुरु द्रोण ने, सूत पुत्र कर्ण ने, सब तो वहां पर अंधे, और दुर्योधन साथ उसके स्निग्ध स्वर में बोलना, बिल्कुल यही जैसे गऊ को मारना और गर्दभराज को पुचकारना। अगर हम पापियों से, मूर्खों से स्निग्ध स्वर में बोलते हैं, वो हमें दुर्बल समझते हैं, अकड़ते हैं। नहीं, उत्तम यही,
हमारे मित्र राजा हैं, उन्हें संदेश भेजें हम। धर्म की खातिर सभी का हर तरह सहयोग लेंगे हम। श्री कृष्ण का कथन सही है, दूत भेजें, धर्म का पथ भी यही है। क्योंकि दुर्योधन बैठा नहीं रहेगा हाथ पर धरे हाथ। मान जाता है अगर, तब तो नहीं है बात कोई, अन्यथा रणभूमि है, हम हैं और कई अक्षौहिणी सेना हमारे साथ। आज इतना कहने मैं स्वयं यहां तक आया हूं, भाई भाई में युद्ध ना हो, संदेश शांति का लाया। निसंशय है गुणवान महा, सब राजघरानों में कुरुकुल लहराती करुणा का वो बस वो सत्य शील। हे दयानी पुत्र, तुम इस कुल के आधार स्तंभ, न्यायी हो, सच में नायक हो, दिखलाने वाले सही राह दिग्दर्शक, सबके रक्षक हो। फिर क्यों अधर्म, क्यों लोभ बैर कौरवी विशेषण कहलाते, क्यों झूठ कपट की हवा चली, दुर्दिन के बादल मंडलाते। कौरव कुल पर संकट छाया, पूरा कुल नाश करेगा वो। चाहो तो निवारण हो जाए, है नहीं असंभव ऐसा वो। निर्भर सब कुछ हम पर तुम पर, राजन ये समझना है हमको। तुम रोको अपने बेटों को, मैं रोकूंगा पांडव दल को। कौरव पांडव संग संग होंगे तो बल के संग होगा विवेक। क्या तुम्हें छेड़ने का साहस, कर पाएंगे मिलकर अनेक। पांडव की जीती धरती पर अधिकार तुम्हारा ही होगा। तुम एक छत्र सम्राट, भला इससे भी बड़ा सुख क्या होगा। है युद्ध भयानक दावानल, जिसमें मानवता जल जाती। पेड़ों की बातें कहे कौन, जड़ भी तो कोयला बन जाती। है युद्ध मरण का नाम, अन्य क्या मरण लाभदायक होगा। मर जाए समर में कौरव या पांडव, तो किसका हित होगा। जब पिता छोड़कर चले गए तो पांडव बिल्कुल बच्चे थे। जिसने उनको दी छांह सदा, वो और कौन, तुम ही तो थे। चलना सीखे उंगली पकड़े वो तात, तुम्हारी उंगली थी। जिस गोदी में खेले थे वो एक पिता की ही तो थी। पांडव ना आज तक भूले ये, इसलिए शर्त पूरी करके लौटे हैं 13 बरस बाद वन से। ये आशा रख करके लौटा दे उनका राज्य आप, ये हाथ जोड़कर कहते वो। मुझको लगता ये धर्म मार्ग और यही सत्य का है आग्रह। मेरा तुमसे कहना है हो पिता, पिता की तरह चलो, खुद न्याय मार्ग पर चलो और पुत्रों को लेकर साथ चलो। जीने की सबसे बड़ी शर्त जियो, सबको जीने भी दो, पाओ उतना जितना अपना, औरों को उनका हक भी दो। हे महासभा के धर्मज्ञो, जब अधर्म से हारता धर्म हुआ कमजोर, तभी सत्य को मारता असत्य ही पुरजो। अगर निकालोगे नहीं धर्म वक्ष का तीर, सभासदों के हृदय को जाएगा वो। धर्मज्ञों के सभा में यदि अधर्म का रंग, डूबेगी ये सभा भी सभासदों के संग। तट पर स्थित हर पेड़ को नदी करेगी नाश, करता तटस्थ मनुज का घायल धर्म विनाश। सेवा हो या युद्ध, पांडव हैं तैयार।
राजन अब तुम ही कहो, करके सोच विचार। कृष्ण की सुनो सुनो, मानो दुर्योधन, छोड़ो वृथा क्रोध, करो हित संपादन। धन लक्ष्मी चंचल टिक पाती तभी जब धर्म हो अविचल, जहां धर्म वहां अहंकार, जहां हिंसा वही लहू की धार। मत करो लोभ, लोभ है विनाशी, विध्वंस सदा होता है कुलनाशी। यदि नहीं मानोगे तो नष्ट होगे, कुलघाती कहाओगे, पूर्वजों के संचित को जल जैसा बहाओगे। नहीं मानो आज्ञा पिता की, तुम आज रख लो माता के दूध की लाज। कृष्ण के स्वर में धर्म, पितामह के कंठ से भविष्य बोलता है। दुर्योधन तू अब भी क्या तोलता है, तेरे मित्र और हित जो कहते हैं तुझे हर बुरा काम करने को उकसाते हैं। युद्ध की गहमा गहमी में वही भाग जाएंगे सबसे पहले, दोष तेरे मत्थे मरकर। सोच ले समझ ले, अरे अर्जुन क्या चीज है पूछ मुझसे तू, और उसके सखा सहायक कृष्ण फिर भी तू जरा नहीं सोचता। क्यों अपने बंधु बांधवों को युद्ध की वेदी पर बलि देता है? अरे जहां अर्जुन है वहां जय है, और यदि श्री कृष्ण भी हैं तो विजय ही विजय है। अधिक कौन कहे अब तुझसे, कर वही जो उचित हो विचार की दृष्टि से। दुख नहीं दुर्योधन हमको है तेरे लिए, रोता है मन तेरे माता पिता के लिए। सोचता हूं पुत्र स्वयं कुल को डुबोएगा, मित्र सहयोगियों को लहू में भिगोएगा। वह दिन दिखता है मुझको पंख कटी चिड़िया से, माता पिता घिसटेंगे दुर्बल असहाय से, रोएंगे आजीवन। जन्म दिया कुल धन को, घूमेंगे भिखारी से मुट्ठी भर अन्न को। कैसा ये दिन आया प्रभु, कैसी ये तिथि, आंखों के आगे होगी कुरुकुल की इति। दुर्योधन पुत्र कांपता है मन, क्या सत्य होगा विदुर का वचन? मान ले पुत्र कृष्ण का कहा, युधिष्ठिर के पास जा, उसने बहुत सहा। मैत्री कर पांडवों से, कर ले समझौता। पुत्र यही एक अवसर है, बीत जाए दोबारा नहीं आता। सखा हो कृष्ण सहायक पांडु पुत्र तो फिर कल्याण ही होता, अन्यथा अन्यथा युद्ध युद्ध में पराजय, पराजय में अपमान है, क्षत्रियों के लिए मौत के समान है। मान जा पुत्र मान जा। द्वारिकाधीश कृष्ण, आपकी बांसुरी बजी, घृणा के स्वर से सजी, खूब बजी, और बजी सिर्फ मेरे लिए। मैं धन्य हूं, आपका चिर कृतज्ञ हूं। भले ही हो आप कुंती के बेटों की बार बार चरण छू भक्ति के हकदार, किसने दिया अधिकार आपको कि मेरे ही घर में घुसकर आप करें मेरी ही निंदा अपार? मेरे पूज्य पिता विद्वान विदुर, पितामह भीष्म आचार्य द्रोण, सबको पड़ गई लगता है आदत मुझे ही कोसने की अविरत, सिर्फ मुझे। कोई नहीं बताता कि मेरा दोष क्या है, मैंने इन वंदनीय प्रातः समरणीय सज्जनों का बिगाड़ा क्या है? मधुसूदन वो धर्मराज पक्का जुआरी, जुआ खेला राज्य हारा, क्या गलती थी हमारी?
सबको पता है जुए में हारे वो, फिर भी मैंने सम्मति दी थी कि लौटा दो जीता हुआ धन। फिर खेले फिर हारे, जंगल फिरे मारे मारे, इसमें मेरा क्या दोष? उल्टे मुझे से लड़ने की देते हैं धमकी, मुझे और मेरे भाइयों को मार डालने की। ये कैसा न्याय है, कौन सा धर्म है? आप भी आए हैं मुझे डराने झुकाने, तो सुनो, नहीं झुकूंगा मैं देवताओं के देवता इंद्र के भी सामने। पांडव पांच, आप उनके साथ, उनके भाई हम सौ, हमारी सेनाएं सहयोगी अनगिनत हमसे करने आए हैं लड़ाई, तो वही सही। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हो जग हंसाई। हम क्षत्रिय, हमारा मरण भी शुभ होगा, अगला मुकाम देवताओं का स्वर्ग होगा। हमें है स्वधर्म प्रिय, रणसैया पर सो जाना, किंतु नहीं कभी शत्रु के आगे सिर झुकाना। ऐसे वीर मरण के लिए क्यों रोए कोई, मरण के डर से जिए कैसे कोई? कहा था मातंग मुनि ने, पुरुष रहे तनकर, कभी नहीं झुककर, टूट जाए भले ही नहीं रहे नम कर। ऐसे ही रहा हूं मैं, आगे भी ऐसे ही रहूंगा, क्षत्रिय की तरह जिया हूं और क्षत्रिय की तरह मरूंगा भी। यही धर्म जानता हूं मैं, और धर्म के आगे कुछ नहीं मानता मैं। जब तक जीवित हूं राज्यांश नहीं मिलेगा, वचन दिया था वृद्ध पिता ने मेरे बचपन में, मेरे पराधीन रहते। अज्ञानवश या डर के कारण दिया होगा उन्होंने वो जाने, पर केशव आज मैं जीवित हूं, बाहुबल युक्त हूं, नहीं पांडवों को दोबारा राज्य नहीं मिलेगा, उतना भी नहीं जितना सुई की नोक पर समा जाए। ये दोनों दल सेना सजे धजे तैयार पहुंचे कुरुक्षेत्र मैदान। एक तरफ तो पांडव मन के सेना, दूसरा कौरव तरफ। अच्छा, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य राजा भगदंत कर्णदानी यदि अंतो रहे सही। हाँ? दोनों दल के बीच में कृष्ण जी आकर कहे, मुरारी मुरे रथ लघु सुहागे, दोनों दल को तैयारी हो गए सही। अच्छा, पर ये कौरव पांडव दोनों दल के बीच में मुर रथला रथला घुसा के दिखा, ताकि मैं देख लेता यहाँ कौन कौन वीर आए। अच्छा, कृष्णा देखा अकेला, चलिए अर्जुन चलिए। कृष्ण जी अपन रथ घुमा, वीर बजरंग बली रथ के पताका माँ। अच्छा, गदा धरा मिला है, गदा धरे मिला है, घरा रा 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 अर्जुन में लगाए तो रहे सही। अच्छा, देवदत्त शंख धरे धरे कृष्ण जी के तरफ ले देख के। हाँ? अर्जुन तब चारो वो रहे कहे मुरारी। अच्छा, भीष्म पितामह बाबा गुरु द्रोणा ये भाई बंधु सब ले मैं नाश करके, मुला बहुत डर लागत है मोहन। हाँ? ये खून खराब
करके दुनिया में विधि करना ठीक नहीं। अच्छा अपन धनु समरा के साथ कृष्ण के पास हाथ जोड़ कर बड़ा विनती के प्रभु के साथ बोलने लगे हैं। भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है, इस महाकाव्य का महज एक प्रसंग, लेकिन यह अपने आप में पूरी तरह मुकम्मल और शानदार है। इसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं, मगर यह दुनिया की किसी भी जबान का सबसे खूबसूरत, सबसे गहरा फलसफा है। इतनी सदियों बाद भी ये उतना ही पुर असर, उतना ही मशहूर है। दुनिया का हर फलसफा, सोच का हर तरीका इससे जुड़ता है, सीखता है। ये बयान है एक नाजुक दौर का, राजनैतिक और सामाजिक संकट का, और इस सबसे बढ़कर आदमी की आत्मा में हो रही उथल पुथल का, जदोजहद का। हे कृष्ण, अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध की इच्छा लिए तैयार खड़ा देख मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुंह सूखा जाता है, शरीर कांप रहा है, भयानक रोमांच होता है, गांडीव धनुष हाथ से फिसला जाता है, सारी त्वचा जली जा रही है, मैं अटल खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं, मन भ्रमित हो रहा है, बुरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हे केशव, युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई भलाई नहीं दिखाई देती, नहीं चाहिए मुझे विजय, राज्य, सुख। ऐसा राज्य हमारे किस काम का, ऐसे सुखों या ऐसे जीवन से क्या लाभ, जिनके लिए हम राज्य, विलास और सुखों की कामना करते हैं वे सब तो यहां अपना जीवन धन छोड़कर खड़े हैं। गुरु, पिता, पुत्र और पितामह, चाचा, ससुर, पोते, साले और दूसरे सगे संबंधी, नहीं हे कृष्ण, यदि ये मुझे मार भी डालें तो भी मैंने नहीं मारूंगा। धरती तो कम है, 3 लोक का राज्य भी मुझे मिले तो भी मैं इनका वध नहीं करूंगा। हे अर्जुन, संकट की इस घड़ी में यह निराशा कैसी, श्रेष्ठ जन तो सदा इससे अपरिचित रहते हैं, ये भावना तो अपयश का कारण है। अर्जुन, नपुंसक ना बनो, पार्थ तुम्हें यह शोभा नहीं देता, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़ हे शत्रु विनाशक, उठ खड़े हो। मधुसूदन, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर इस युद्ध में कैसे तीर चलाऊंगा मैं, दोनों पूज्य हैं मेरे, ऐसे सम्मानित गुरुओं का वध करने से तो इस लोक में भिक्षा मांग कर जीना अच्छा। मैं कायरता के दोष में डूबा हुआ हूं, मति मारी गई है मेरी, कर्तव्य की राह से भटक गया हूं मैं, इसीलिए पूछता हूं हे कृष्ण, मुझे वो उपाय बताएं जो निश्चित ही कल्याणकारी हो, मैं आपका शिष्य, आपके शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और फिर बुद्धिमत्ता की बातें कर रहे हो। अर्जुन, बुद्धिमान तो कभी मरे हुओं या जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते, ऐसा कोई काल नहीं हुआ जिसमें मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो या ये राजपुरुष ना रहे हो, और ऐसा कोई काल होगा भी नहीं जिसमें हम सब ना रहे। जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण करती है। अपने कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से कल्याणकारी
और कुछ नहीं होता। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। कर्मों का फल तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि कर्म ना करने के प्रति तुम्हारी आसक्ति बढ़े। अर्जुन का संघर्ष अलग अलग जिम्मेदारियों से, मर्यादाओं से एक जद्दोजहद है। यह वही अंदरूनी लड़ाई है जिसने हमेशा से इंसान को सोचने के लिए मजबूर किया है। निजी कर्तव्यों और सामाजिक बर्ताव दोनों के बारे में कई सवाल खड़े किए हैं कि जिंदगी में नैतिकता क्या है और आदमी का रूहानी नजरिया क्या होता है। अर्जुन, अपनी प्रकृति के निर्देशानुसार अपना कर्तव्य करो। जैसे अग्नि हमेशा धुआं देती है, वैसे ही हर कर्म का फल मिलता है। स्वार्थहीन कर्म ही शेष रह जाता है। यही वो ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। इस पर विचार करो। तुम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हो। पार्थ, मैं तुम्हें इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। क्या तुम्हें ध्यान से सुना अर्जुन? क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका है? नहीं, अब कोई शंका नहीं। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं युद्ध करूंगा, मैं आपकी शिक्षा पर चलूंगा। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। इसके बल पर तेजो मैं है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर,